बिसमीम इस वक्त अदरन तुर्किया का जो खिलाफत स्स्मानिया में बुरसा के बाद दूसरा दार रहा है हम उसमें एक ऐसी मस्जिद में बैठे हैं कि जिस मस्जिद को तीन बालकूनी वाली मस्जिद कहा जाता है तीन बाल वाली मस्जिद कहने का मतलब आप देखेंगे मीनार को कि इसके चार मीनार हैं लेकिन दो मीनार जो मस्जिद के हाल के ऊपर हैं दाएँ और बाएँ इनमें से हर मीनार के ऊपर तीन बालकूनियाँ बनी हुई हैं इस मुनासब से इसको तीन बालकूनी वाली मस्जिद कहा जाता है और ये तुर्किया की मसाजिद की कदीम तरीन मसाजिद में से इस एतबार से बहुत अहम मस्जिद है कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में जो तमीरत हुई मसाजिद या मसाजिद के अलावा उसमें यह पहली मस्जिद है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि इसका गुमबद सबसे ऊँचा और सबसे बड़ा गुमबद है यानी खिलाफत षस्मानिया की तमीराम में से ये पहली तमीर है कि जिसका गुम्बद सबसे बड़ा है और जिसका गुम्बद सबसे ऊँचा है ये सुल्तान मराद दो ने के ज़माने में तमीर हुई चौदह सौ अठतीस को इसकी तमीर शुरू हुई और चौदह सौ सन्तालीस में इसकी तमीर ख़त्म हुई यानी नौ साल इसकी तहमीर को लगे कदीम तरीन मस्जिद है खूबसूरत तरीन मस्जिद है और ये मस्जिद एक मरतबा जलजला की जद में भी आई कुछ उसको नुकसान भी हुआ लेकिन इसकी फिर तजयीन वगैरह और उसकी जो कमियाँ खुती थी तो उसको फिर दोबारा असर नोटी कर दिया गया अल्लाह ताला ने मसाज़िद को शाद और आबाद रखे और तुर्किया की बहुत बड़ी खूबी यहाँ की बहुत बड़ी और बहुत अहम मसाज़िद की तमीर है जिससे अंदाज़ा होता है कि इन हजरात को अल्लाह के घरों से किस कदर ताल्लुक़ और मोहब्बत थी अल्लाह ताला हमें भी पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन मसाजिद को तामीर करने की और जो मसाजिद हैं उनको आबाद करने की तोफ़ी अता फरमाए।